नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कोशिका के खोज से जुड़े वैज्ञानिकों के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका की खोज से। तो देखिए, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं का खोज किया था। किस कोशिकाओं का खोज किया था? मृत कोशिकाओं का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम क्या किया था? प्लांट सेल को देखा था। प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाओं को देखा था, क्योंकि उन्होंने एक बोतल का कॉर्क, जो बोतल का ढक्कन होता है, पुराने टाइम में जो बोतल आती थी शराब की, उसमें लकड़ी का ढक्कन होता था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? उसी लकड़ी के ढक्कन में कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट हुक के बाद कौन आए? तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के बाद आए लिवेन हॉक 1774 ईस्वी में। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय लिवेन हॉक को दिया जाता है 1774 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम पानी में, तालाब का जो पानी होता है उसमें अमीबा प्रोटोजोवा को इन्होंने देखा था। तो जीवित कोशिका का खोज लिवेन हॉक ने 1774 ईस्वी में किया था। केंद्रक की खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में बताया कि कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना होती है, जिसका उन्होंने केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दिया था। तो न्यूक्लियस या केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य या कोशिका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज, तो पुरंकीजे 1839 ईस्वी में पुरंकीजे नाम के एक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर अर्ध तरंग दानेदार सा कोई पदार्थ पाया जाता है, जिसको उन्होंने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो पुरंकीजे ने 1839 में दिया था। कोशिका सिद्धांत, तो दो वैज्ञानिक आए, स्नाइडन आए और स्वान। 1838 में स्नाइडन और 1839 में स्वान नाम के वैज्ञानिक है। दोनों वैज्ञानिक मिलकर सम्मिलित रूप से क्या दिए? कोशिका सिद्धांत दिए। इसमें जो स्नाइडन थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति यानी पादप विज्ञान से जुड़े हुए थे, और जो स्वान थे ये जंतु वैज्ञानिक थे, यानी जंतुओं के विज्ञान से जुड़े हुए थे। तो स्नाइडन ने बताया कि जो पादप यानी प्लांट जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वहीं क्या बताया? स्वान ने बताया कि जो जंतु होते हैं वो भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर सम्मिलित रूप से क्या दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया। नई कोशिका का निर्माण, तो बीर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत किसने दिया था? अपनी भाषा में बीर्चो ने दिया था। तो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये किसने बताया था? 1855 ईस्वी में बीर्चो ने बताया था। प्रोटोप्लाज्म मतवाद किसने दिया था? तो मैक्स सुंग ने दिया था। किसने दिया था जी? मैक्स सुंग ने दिया था। मैक्स सुंग ने बताया था कि कोशिका क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। कोशिका क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। इसी को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहा गया। फिर आगे देखिए, पैतृक लक्षणों की वंशांगति, तो 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका में जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? पैतृक लक्षणों की वंशांगति में भाग लेता है, यानी कि एक संतति से दूसरे संतति में गुणों का संवहन या परिवहन कौन करता है? तो केंद्रक करता है। तो पैतृक लक्षण की वंशांगति के बारे में किसने बताया था? तो स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में बताया था।